नंबर 15 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है, एक सेट दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा आर जो दिया है ना, आर एक्स वाई के क्रमित युग्म के रूप में है, जहां वाई बराबर है एक्स प्लस वन, और यह संबंध कैसे है, ए से ए में, है ना, संबंध संबंध परिभाषित है, है ना, ए से ए में परिभाषित है, यानी कि ए पर परिभाषित है, यानी कि एक्स भी जो एलिमेंट है वो ए से ही मिलना चाहिए, और ये वाई भी किससे मिलना चाहिए, ए से ही मिलना चाहिए, यानी इसका मीनिंग यही है कि एक्स कमा वाई दोनों बिलोंग्स करना चाहिए ए से, है ना। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे, तो R बराबर हो जाएगा क्रमित युग्म कौन कौन से, अगर हम लोग x का मान इसमें से 1 रखते हैं तो ये 1 2 हो जाएगा, यानी 1, 2 हो जाएगा। अच्छा x का मान 2 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 रखिएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 रखिएगा तो 6 आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि जब आप यहाँ पे 6 ले लीजिएगा तो यह आ जाएगा 7, तो वाई बिलोंग करना चाहिए ना इसे, तो 7 कहाँ है इसमें, नहीं ना है, तो यही आपका सही इसका आर का मान होगा। तो आर का मान यहां से निकल गया, संबंध तो आप दर्शा दीजिए, लेकिन पहले में कह रहा है इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, तो तीर आरेख द्वारा दर्शाना तो बहुत ही सिंपल है, आपको बताया ही है क्या करना है आपको। चलिए इसको देख लेते हैं तीर आरेख द्वारा, ठीक है, तीर वाला देख लेते हैं पहले। चलिए आपका हो गया, अच्छा एक और दूसरा ले लेते हैं, ठीक, ये दोनों किसके हैं, ए के, है ना, ए और ये भी ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, ठीक है, इसमें भी उसी तरह से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, ठीक। अब चलिए इसमें जो संबंध आपको दर्शाने हैं वो दिखाना है एक के साथ दो का, अच्छा और क्या करना है, दो के साथ तीन का, तीन के साथ चार का, चार के साथ पांच का, पांच के साथ छः का, हो गया ना, ये ना दिखाना था। चलिए एक के साथ दो का दिखा दिए, दो के साथ तीन का, तीन के साथ चार का, चार के साथ पांच का, पांच के साथ छह का, तो ये तीर आरेख द्वारा निरूपण हो गया। सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है, आर के प्रांत परिसर और सह प्रांत लिखिए, तो यहीं से लिख देते हैं हम लोग प्रांत परिसर और सह प्रांत। पहले प्राप्त करते हैं आर का प्रांत, तो प्रांत क्या होगा, तो जो संबंध में एलिमेंट होंगे ना प्रथम घटक वाले, यानी ये वाले, है ना, ये ना होंगे आपका 1 2 3 4 5, इस संबंध में प्रथम घटक के जो भी सदस्य हैं उनका समुच्चय होगा, तो एक से लेकर पांच ही तक ना हो रहा है, छह तो किसी के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका निकालना है आर का परिसर, तो परिसर में संबंध के वो एलिमेंट द्वितीय घटक के समुच्चय होंगे ना, यानी कि द्वितीय घटक के समुच्चय होंगे 2 से 6 तक, 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है आर का सह प्रांत, क्या निकालना है, सह प्रांत निकाल, तो सह प्रांत मतलब होल सेट बी, यानी कि यहाँ होल सेट ए ही ना होगा, ए से ए में संबंध है, ये पूरे ए को कहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर